टुडेज टॉपिक इज कंट्रोलिंग। बेटा हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में चार फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पांचवा फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। सबसे पहले इसके बारे में कोटेशन क्या कह रही है, इट इज़ थ्रू कंट्रोल दैट वन एंश्योर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। कंट्रोलिंग में हम अपने आप को इस बात का आश्वासन देते हैं कि जो हमारे प्लान बने हुए हैं, जो हमारी योजनाएं बनी हुई हैं, उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये सारा देखने का काम कंट्रोलिंग के अंदर होता है। अब बेटा मैं कंट्रोलिंग का आपको मीनिंग बताऊंगी। कंट्रोलिंग का मीनिंग है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट। एक्चुअल वाले रिजल्ट को डिज़ायर वाले रिजल्ट के पास लाने का काम कंट्रोलिंग का होता है। इसका मतलब एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर रिजल्ट के पास लाना हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। अब इस कंट्रोलिंग की फीचर्स क्या क्या हैं? पहली फीचर है, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का एक मेन वाला फंडामेंटल लेवल का फंक्शन है। देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बट आपको पता है मैनेजमेंट के पांच फंक्शन हैं। पहला प्लानिंग है, दूसरा हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा स्टाफिंग है, चौथा डायरेक्टिंग है और लास्ट पांचवा कंट्रोलिंग है। आउट ऑफ ऑल दिस फंक्शंस कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब में से कंट्रोलिंग का काम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। इन मैनेजमेंट के फंक्शंस में से यदि कंट्रोलिंग को निकाल दिया जाए तो बाकी के फंक्शन का कोई भी मीनिंग नहीं रहता। इसका मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसे मैनेजमेंट के फंडामेंटल फंक्शन में डालते हैं। सेकंड है परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज़ परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का काम बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और नॉन बिज़नेस में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल मैनेजरियल लेवल, मैनेजमेंट के हर लेवल पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। टॉप लेवल में भी मैनेजमेंट के लेवल में हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, मिडल में भी हमें ज़रूरत है और लोअर में भी हमें ज़रूरत है। उसके बाद तीसरे इसकी फ़ीचर है, कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी। बेटा कॉन्टीन्यूअस का मतलब आप सबको पता है ऑन गोइंग एक्टिविटी को कहते हैं। कंट्रोल डज नॉट मीन एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड ओनली फॉर वंस। कंट्रोलिंग का काम हमें एक बार नहीं करना पड़ता और इट इज़ रिपीटेड आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। जैसे जैसे एक लंबा अंतराल पड़ जाता है हमें इस काम को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। बट इट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम्स। इसकी ज़रूरत हमें हर समय पड़ती है और जिस काम की ज़रूरत हमें हर टाइम पड़ती है, बार बार पड़ती है, तो वो कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी में आता है। उसके बाद है कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। द नीड ऑफ कंट्रोल इज़ फेल्ट बोथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग की ज़रूरत हमें दोनों लेवल पर पड़ती है। शुरुआती दौर में भी हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है और किसी भी काम को यदि हमने ख़त्म करना है एंड लेवल पे भी हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिफ्थ फीचर है, कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिज़ल्ट। कंट्रोलिंग का लेना देना रिजल्ट से है। कंट्रोल इज़ रिलेटेड टू रिज़ल्ट बिकॉज वी असेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिज़ल्ट एंड टेक कोरेक्टिव एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। कंट्रोलिंग का रिलेशन रिज़ल्ट से इसलिए है कि रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस आई है, उसका हम स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। कोई डेविएशन वगैरह आते हैं तो हम कोरेक्टिव एक्शन ले लेते हैं और हमारे रिज़ल्ट सही आ जाते हैं। तो कंट्रोलिंग का रिलेशन जो है हमारे रिज़ल्ट से है। उसके बाद कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इम्पोर्टेंस का पॉइंट है एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रॉपर कंट्रोलिंग के द्वारा अचीव किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर एकम्प्लिश्ड। इन दिस डेविएशंस आर इमीडिएटली डिडक्टेड एंड कोरेक्टिव एक्शन आर टेकन।
कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हमें डेविएशंस के बारे में पता चल जाता है, और डेविएशंस जब हमें पता चल जाते हैं तो हम कोरेक्टिव एक्शन ले लेते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल टाइम पे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस का पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। अ मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ही ट्राइज टू फाइंड आउट वेदर द लेट डाउन स्टैंडर्ड आर नॉट मोर आर लेस देन द जर्नल स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हमारा मैनेजर हमारी एक्चुअल वाली परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद उसे पता चल जाता है कि कोई कमी पेशी आ रही है या नहीं आ रही, ताकि वो टाइमली कोरेक्टिव एक्शन ले ले। तो स्टैंडर्ड के वो चेक भी हम जो है कंट्रोलिंग के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल द यूज़ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। प्रॉपर कंट्रोलिंग से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन लेवल का रिसोर्स है और चाहे फिजिकल लेवल का, चाहे मशीन है, फर्नीचर है, मनी, जो भी रिसोर्स हमारे पास है, उसका बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ प्रॉपर कंट्रोलिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग। एन एफर्ट इज मेड टू मोटिवेट द एम्प्लॉई। प्रॉपर कंट्रोलिंग के जरिए एक एम्प्लॉई को टाइमली मोटिवेट किया जाता है कि उसे मोटिवेशन कैसे देना है, उसके लिए पूरे भरसक प्रयास किए जाते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग मेक्स ऑल द एम्प्लॉई टू वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। प्रॉपर कंट्रोलिंग में जब एम्प्लॉई को मोटिवेशन दिया जाता है तो वो एम्प्लॉई अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करना शुरू कर देता है। उसके बाद एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑल द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट करप्शन आर चेक्ड। प्रॉपर कंट्रोलिंग को जब यूनिट पे अप्लाई किया जाता है तो यूनिट में कोई भी गलत काम हो रहा है, जैसे कोई चोरी कर रहा है या कोई भ्रष्ट है, उसके सारे कामों की प्रॉपर चेकिंग की जाती है। तो यूनिट में इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर के प्रिंसिपल को और डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को भी अप्लाई प्रॉपर कंट्रोलिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग। एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन इज बीइंग डन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर रिसीव्ड। इफ नॉट द काजेज ऑफ डेविएशंस आर फाइंड आउट एंड कोरेक्टिव एक्शन इज इनिशिएटेड। प्रॉपर कंट्रोलिंग के एक्शन में ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन जितनी हमें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही इसका मतलब कुछ कमियां आ रही हैं, तो कमियां आ रही हैं तो कमियों को प्रॉपर कोरेक्टिव एक्शन के द्वारा दूर किया जाता है, तो हमारा काम एक्शन में आना शुरू हो जाता है। तो ये तो इसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट थे। उसके बाद रिलेशनशिप है बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशन को बताने के लिए दो पॉइंट लिए गए हैं। पहला है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरडिपेंडेंस में दो पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। इस पहले पॉइंट में इट मीन्स इफ द कंट्रोल इज नॉट प्रेजेंट इट इज यूजलेस टू हैव प्लानिंग। यदि कंट्रोल जो है सही तरीके से नहीं होगा तो प्लानिंग का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। इसका मतलब प्रॉपर कंट्रोलिंग को करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करने के लिए कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग का मीनिंग कंट्रोलिंग के साथ है, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है। सेकंड है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अंडर कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। इफ द स्टैंडर्ड आर नॉट डिटरमाइंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड आर डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग। प्रॉपर कंट्रोलिंग में हमारी जो एक्चुअल वाली परफॉर्मेंस है उसे जब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई कमी पेशी आ रही है या नहीं आ रही। इसका मतलब उस कमी पेशी को देखने के लिए, दूर करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब कंट्रोलिंग जो है एक ब्लाइंड के रूप में रोल प्ले करता है यदि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो ये दो पॉइंट तो इसके इंटरडिपेंडेंस में थे प्लानिंग और कंट्रोलिंग के।
अब डिफरेंस यदि हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग का बताना है तो यहाँ भी दो पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग का मतलब आगे की ओर देखना है और कंट्रोलिंग का मतलब पीछे की तरफ देखना है। प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर। अब आगे की ओर देख रहे हैं तो प्लान बनाए किसके लिए जाते हैं, फ्यूचर के लिए। एंड डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेड डाउन। आगे की एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं। ऑन द कंट्रेरी कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक अंडर इट अ मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट आफ्टर द वर्क इज कम्प्लीटेड वेदर इट हैज़ बिन डन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आर नॉट। दूसरी तरफ अब हमने कंट्रोलिंग को पीछे की ओर देखना बताया है, इसका मतलब हमने ये देखना है कि जो हमने प्लान बनाए थे कंट्रोलिंग के जरिए अब हम देखेंगे हमारा काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये पॉइंट था प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अब डिफरेंस में लास्ट दूसरा पॉइंट है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजेरियल प्रोसेस। बेटा आप सबको पता है मैनेजमेंट के पांच फंक्शन हैं, उसमें प्लानिंग पहले नंबर का फंक्शन है और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट का है। तो ये हमारा रिलेशनशिप था प्लानिंग और कंट्रोलिंग का।